कहा था इस लड़की रशी से मैंने कि इतना जल्दी मत चलो, वहाँ सर्दी मिलेगी खाने को। हाँ, हो गई सबसे पहले। आए इतना बहुत खर्चा तो नहीं करे, आए सच दिख रहे। अरे आंटी, शायर का घर है, वलीमे में शेर मिलेंगे खाने को। क्या मिलता है क्या नहीं की बात। भला बताइए, चार आदमियों को काबू न कर सका। अरे हीरो तो बहुत शेर दिल था, डायरेक्टर ने उसे पिस्तौल ही नहीं दिया। पिस्तौल? हाँ हाँ पिस्तौल। पिस्तौल दसरी वाले से तो मुझको पिस्तौल। अरे अरे अरे, तुम क्या कहना चाह रहे हो? तुमको ऐसे काट रहे हो जैसे तुम्हारे घर के शत्रु को पिस्तौल दिए खड़ा है। तुम कौन हो? ये पिस्तौल देखकर बात समझ में नहीं आई। आप अंदर कैसे आ गए? इस दरवाजे से। ताला तो टूटा हुआ नहीं है। हमारे लिए ताले खुद खुल जाते हैं। देखो, अगर अभी यहाँ कोई आए तो ज्यादा खबर करने की जरूरत नहीं। हम कोई पागल है? वैसे इस पर जरा हाथ हल्का रखिएगा। वैसे आपकी राधे क्या है? व्हाट इज योर प्रोग्राम? हमसे हमारे प्रोग्राम पूछने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? माफी माफी चाहता हूँ अंकल, आप भी कुछ बोले ना, नाराज हो गए। बरखुरदार, शकल से तो काफी हद तक तुम शरीफ मालूम होते हो। काफी हद तक नहीं, बल्कि वाकई हम शरीफ आदमी हैं, वरना इतनी बकवास पे तो कब से गोली चल गई होती। हम तो बहुत नाराज हो गए, आप कुछ बोले। अरे भाई, नाराज तो तुमसे हैं, इन्हें करने दो जो कुछ ये चाहें, दखल दर माकूलात मत करो। ये चाचा क्या बोला? दखल दर माकूलात, आपकी तारीफ कर रहे हैं। हमारी तारीफ है? हमारी तारीफ तो हमारे जाने के बाद करेंगे। गोया आपके जाने के बाद तक हम लोग जिंदा रहेंगे तो फिर तो आपके इरादे ज्यादा खतरनाक नहीं मालूम होते। अगर कोई गलती हुई तो इरादे खतरनाक भी हो सकते हैं। आप अपने नेक इरादों पर कायम रहें, हम कुछ नहीं करेंगे। अच्छा है, तो फिर बैठो। गाड़ी में? गाड़ी में नहीं, कुर्सी पे। कुर्सी पे? अच्छा, कुर्सी लाइन में लगाओ। कुर्सी आप भी लगाओ, जल्दी बैठो आराम से। आवाज नहीं, खामोश। चार पाँच छह, अरे और कितने आदमी आएंगे इस फ्लैट में? क्या बात है, तू क्यों परेशान है? आज भी सीढ़ियों पर बैठ के फिल्म देखी क्या? सीढ़ी आ गई है। क्या तुम्हारी अम्मी आई है? मेहमान आए, मैं अरे बिन बुलाए। डाकू साहब,
अच्छा हुआ मैंने आपको देख लिया। अगर मुझे डाकू का रोल मिलता तो कितनी परेशानी होती है ना। फिर मजाक नहीं करो। तो फिर क्या आदाब करूं? देख नहीं रहे पिस्तौल मेरे कितने करीब। भाईजान भाईजान इसके हाथ में बिल्कुल असली पिस्तौल है। असली? भाई जरा आप बबलू पे ट्राई तो करो। कौन बबलू? कौन? आपका नाम क्या है? कहना क्या चाहते हो? मेरा गुस्सा खराब है। आप अपने गुस्से को डॉक्टर को दिखा दो। मजाक करता है। अरे डाकू साहब आप नाराज ना हो। सूरत हाल को समझा करो। जी 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 मैं इनकी सेहत को और पिस्तौल को देखकर समझ रहा हूँ कि हमें इसकी बात मान लेनी चाहिए। अयो मेरे को भी आज ही पूरा जेवर पहन लेने का था। किसके सामने बोले? पीतल के। अयो अयो माँ आसिम यहाँ होते तो कुछ तो भी करते थे। ये लोग तो 100 मैसेज बैठे हैं। माँ उसका नाम लेने उसे भी बुला लेंगे। किसको बुलाने की बात कर रही है? पुलिस को? नहीं डाकू पाशा, हम लोग सोच रहे थे आपका ख्याल हमारे फ्लैट की तरफ ऐसा गया होगा तू। अरे अरे आप लोगों को यहाँ था जाता देखा तो जाहिर ही आ जाते तो कहाँ जा गया? हमें अफसोस है कि यहाँ आके आपको मायूसी हुई है। हम सब आपसे माफी चाहते हैं। अब ये बता दीजिए अब आपके क्या इरादे हैं? अरे इस फ्लैट में तो कुछ है नहीं। अच्छा तो मैं एक काम करता हूँ, मेरे दो आदमी आएंगे यहाँ से, एक दो आदमी ले जाएंगे। आप लोग चिंता करके छुड़वा लीजिएगा। इनको ले जाइए, इनको। अरे ट्रक में डाल के ले जाना पड़ेगा। अरे आप किसको उठा के ले जाओगे? डाकू साहब ये आ गए सही आदमी आपके साथ भेजने के लिए। ये कौन है? ये फ्लैटों के मुखबिर है। मेरा मतलब मैं अभी टाल के आता हूँ इनको। असल में ये अगर आ गए ना तो मुसीबत की घड़ियां काटना मुश्किल हो जाएगा। बुलाओ उसको। आइए। अरे यार तुम लोग क्या नई फिल्में 3-3 दिन तक रख लेते हो? मेरे ग्राहक दूसरी दुकान से फिल्में लेने लगते हैं। ये भाई मेरी दुकानदारी खराब नहीं करो, मेरे को कैसेट वापस करो। फिलहाल तो ब्लैक कलर में VCR आया है। VCR आया है? किधर है? देखो यार VCR है भाई, मेरा इस घर से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं चलता हूँ, मेरी दुकानदारी खराब होगी, तुम लोग आपस का मामला तुम लोग आपस में तय कर लो, मैं बाद में आ जाऊंगा। कैसेट लेने के? ए, क्या हाथापाई तो नहीं करो यार। चिराग अंकल आपकी कैसेट जो है ना वो हमने पड़ोसन बाजी के दे दी, आप वहाँ से ले ले। मना करो ना, मेरे घर का पता बता रहे हैं इंसान। एक मिनट अम्मा, चिराग अंकल प्लीज कैसेट वापस कर दे, आप जाके दुकान में चेक कर रहे हैं। तुम लोगों को आईंदा कैसेट दूंगा जी नहीं। हमेशा हर कैसेट का बोलते हो कि वापस कर दी, ये हाथ अड़ा ले चल जाएंगी। अंकल आमिर मिलर मेरी शरीयत बता दीजिएगा। अरे भाई मैं यहाँ से खैरियत से वापस जाऊंगा तो बता दूंगा ना। हे तुम लोग क्या मजाक कर रहे हो? हे बुली वाले चाचा, फिर चाचा तू भी चाचा बोलता है या तू मेरे को डाकू जी नहीं लगता हो? तू इधर आ, इधर आया, इधर इधर। ये भाई डाका डालने में इतनी देर होती है? ये भाई जो सामान तेरे को ले जाना है ना वो ले जा, वो घर जाके हिसाब किताब कर लेना कि प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ। चिराग अंकल इधर आइए, आप कैसी बातें करेंगे? आइए अव्वल तो आपका इस घर से ताल्लुक क्या? और आप क्यों इनको मुसीबत में डाल रहे हैं? इतना सारा बोझ ये कैसे उठाएंगे? इनका अपना बोझ देखा आपने? ए भाई इनको बोझ किधर उठाना है, सारा सामान तो बबलू उठा के पहुंचाएगा इनकी गाड़ी तक। मैं डाकू भाई आज आपने कौन सी गाड़ी उठाई है? क्या म्युनिसिपैलिटी की? चुप तू तो जरा मेरे को बुला दो, मैं आता हूँ। चला बोलो डाकू भाई क्या है? जल्दी से बेंच पकड़ाओ। बेंच? अच्छा जल्दी खड़ा हो जल्दी खड़ा। चाचा कल सबक याद करके आने। ज्यादा होशियारी करने की जरूरत नहीं है। अरे इसको छोड़ो, होशियार तुम बनो। डाके में इतनी देर नहीं की जाती वरना पकड़ा जाता है आदमी। अंकल आपके तो सारे डाके कामयाब गए ना। चुप करो बबलू। वो आपका नाम क्या है? सवाल नहीं करो, बात क्या है जल्दी बोलो। बात ये है कि आप यहाँ से कब जाएंगे? तू भी जाए। असल में मुझे जरा सोना भी है और ऑफिस भी जाना है। ए, क्या है? ये डाकू भाईजान चले जाएंगे तो थाने भी तो जाना होगा ना। इससे पहले हो सकता है अस्पताल भेज दे हमें। अयो अयो कैसी डरावनी बातें कर रहे हो तुम्हारे मियां, चुप करो ना। अम्मा यहाँ तो किसी वक्त भी कुछ भी हो सकता है। आसिम के मामा बाहर हैं, अब तो वही कुछ कर सकते हैं। अल्लाह अल्लाह आसिम के मामा के